कोरोना वायरस के संक्रमण से लगातार जूझ रहे गाजीपुर के लिए एक और झटके वाली खबर सामने आ रही है। गाजीपुर में एक ही साथ 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को टेस्ट रिपोर्ट सामने आने पर यह बड़ी खबर पता चली है। गाजीपुर के इन लोगों के सैंपल SGPGI लखनऊ, RML और IMSBHU में जांच के लिए भेजे गए थे। कोरोना संक्रमण के ये 18 नए मामले मिलने के बाद गाजीपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 54 हो गई है, जबकि कुल मरीज 60 हो गए हैं। नोडल डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने इस खबर की पुष्टि की है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि गाजीपुर के इन 18 में से 7 मरीज तो एक ही परिवार के हैं। इस जानकारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक मरीज छेदीलाल चौराहा कोतवाली गाजीपुर का भी पाया गया है। इसके अलावा एक पॉजिटिव मरीज जयनगर मोहम्मदाबाद का है, तो वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज गंपा करीमुद्दीनपुर का है। इसी तरह 2 संक्रमित मरीज रेवतीपुर के हैं। इसके अलावा एक मरीज रेवतीपुर पकड़ी का है, एक मरीज नसरतपुर मरदह बिरनो का, एक हैदरगंज मरदह गाजीपुर का है, एक कोरोना संक्रमित मरीज पृथ्वीपुर बिरनो का है और एक मरीज सेवराय गहमर भदौरा का है। इन सब के अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज वायपुर देवकली गाजीपुर का भी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गाजीपुर के लोगों के लिए खतरा और बढ़ गया है। हमारी आप सभी लोगों से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहन कर ही निकलें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।